Hey guys, welcome back to my channel. So I'm back with another plants video. So in today's video I'll be sharing few plants jo aap apne indoor decor mein rakh sakte ho, plus aap unko outdoor bhi use kar sakte ho, then also ye jo plants hai aap inko gift kar sakte ho. To mujhe personally plants gift karne bahut hi pasand hai. Mujhe lagta hai ki jo plants hai aapke ghar mein kafi sari khushiyan leke aate hain, joy leke aate hain, aur waise hi agar aap kisi ko gift karte ho to unke ghar mein bhi khushiyan leke aate hain. To it's a very good आइडिया कि आप प्लांट्स को गिफ्ट करो, तो जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाओ. सो मैं थोड़े से प्लांट्स जो मैंने अभी बाय करे हैं क्रिसमस पे न्यू ईयर के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो ये जो प्लांट्स है बहुत ही इजी आप इसको मेंटेन कर सकते हो. ऑलमोस्ट जो सारे प्लांट्स होते हैं, कोई भी प्लांट होता है, उसको आपको जो पानी देना होता है वो 2 to 3 times देना होता है. डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है. जैसे कि समर है तो समर में एटलीस्ट आप 3 से 4 बार वीक में पानी दीजिए, और विंटर में पानी की इनको जो ज़रूरत होती है वो कम होती है. तो ये जो प्लांट्स मैंने इस बार बाय करे हैं, मैंने ऑनलाइन बाय करे हैं, और जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी. प्लस उनके जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जो प्लांट्स को बाय करके दूसरों को गिफ्ट कर सकते हो. सो बेसिकली अगर आप एक सिटी में रहते हो तो वहाँ से आप बाहर से लेके गिफ्ट दे सकते हो, फ्लावर्स वगैरह या फिर प्लांट्स वगैरह. बट अगर आप अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को दूसरी सिटी में गिफ्ट भेजना चाहते हो तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो. तो वहाँ पर मैंने जो मैं देख रही थी, जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है, डिसेंट कलेक्शन है प्लांट्स की प्लस फ्लावर्स की, प्लस और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आप अपने और रिलेटिव्स को भेज सकते हो. तो मैंने जो प्लांट्स मंगवाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो मैं इंडोर इनको रख सकती हूँ. तो जब बात आती है इंडोर प्लांट्स की, तो इंडोर प्लांट्स का मतलब होता है कि जिनको जो लाइट चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है, प्लस आप उनको बाहर भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन कैसा है. तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है चाइनीज़ एवरग्रीन. तो ये मैंने फ्लावर ऑरा से ही मंगवाया है, उनकी वेबसाइट से ही मंगवाया है. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनके साथ, और बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जो इनकी डिलीवरी है वो सेम डे भी हो जाती है. डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रहते हो, प्लस जो डिलीवरी है वो नेक्स्ट डे भी हो जाती है. सो फर्स्ट ये प्लांट है चाइनीज़ एवरग्रीन. आप देख सकते हो जो इसका पॉट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्टर्डी है, सॉलिड है, तो प्लास्टिक का नहीं है, जो आप जिसको आप इग्नोर करना चाहते हो आजकल, कि हम लोग डिस्कार्ड करते प्लास्टिक को जितना हो सकता है. तो चाइनीज़ जो एवरग्रीन प्लांट है ये ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो. और जो इसको पानी चाहिए होता है वो 2 से 3 बार आप वीक में दीजिए, और इसको आप घर में अंदर रख सकते हैं, किसी भी कोने में रख सकते हैं. तो जब बात आती है इंडोर प्लांट्स की, तो बेसिकली लोग क्या बोलते हैं कि अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बट स्पेशली जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपके घर को प्योरीफाई करती है और आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देती है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देती है. फॉर मी डेकोर के लिए प्लस एक पॉजिटिव के लिए प्लांट्स आपके घर में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. सो अपने घर में प्लांट्स लेके आइए, तो बहुत ही आप अच्छा फील करोगे उनके साथ. तो ये है मेरा फर्स्ट बाय, और ये मैंने अपने लिए लिए है, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिफ्ट एवरीवन फ्रॉम दिस वेबसाइट, क्योंकि अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया, मुझे नर्सरी नहीं जाना पड़ेगा, सीधा घर पे आएंगे प्लांट. और जो नेक्स्ट प्लांट है वो है ये सिंगोनियम प्लांट. बहुत ही स्वीट सा टाइनी प्लांट है ये, जो इसकी हाइट होती है वो नियरली 1 feet to 2 feet तक होती है, और आप देख सकते हो जो इसके लीव्स है वो ऐसे ट्राइंगल शेप में, हार्ट शेप में लीव्स हैं. तो अगेन ये इंडोर प्लांट है, आप इसको आउटडोर भी यूज़ कर सकते हो. प्लस जब इंडोर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि उनको लो लाइट, जैसे मैंने पहले बताया है. तो अगर आप इसको बाहर रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए बाहर रखें, और वहाँ पे रखें जहाँ पे ज़्यादा सन नहीं आता, ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, तो आप इसको वहाँ पे रख सकते हो. तो ये आता है फाइबर के पॉट में, ऐसे आता है, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करके किसी को गिफ्ट कर सकते हो. तो पानी की बात की जाए, पानी इसको 2 से 3 बार आपको वीक में देना है, और जब कोई भी प्लांट है, जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ या फिर उसके अलावा कोई भी प्लांट होता है, तो फर्टिलाइजर्स आप उसको रेगुलरली देते रहें. ये जो सारे प्लांट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज, या इनके अलावा कोई भी प्लांट होता है, तो उनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है. तो फर्टिलाइजर्स आप चाहे घर पर बना सकते हैं, मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है, आप ज़रूर चेक कीजिए वो वीडियो. तो फर्टिलाइजर्स आपको समर में मंथ में 2 से 3 बार सॉइल में ऐड करने होते हैं, और वैसे ही विंटर में आप एक बार फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे तो भी आपके प्लांट्स ठीक रहेंगे.
और जैसे मैंने बताया पानी आपको 2 से 3 बार देना है। आपको ध्यान रखना होता है जब भी आपके जो पॉट्स की मिट्टी होती है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाए तो आप उसको पानी दें, और ज़्यादा ओवर वाटर करोगे तो भी प्लांट ख़राब होता है। साथ में इसकी जो आपको कटिंग वगैरह करते रहना चाहिए, आपको लगता है कि पुराने अगर लीव्स हैं इसके वो आ रहे हैं तो उसको काटते रहिए ताकि बाकी नए प्लांट्स नए लीव्स आते रहें। तो ये है मेरा सेकेंड वन। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है मेरा फेवरेट प्लांट, जिसको बोलते हैं स्नेक प्लांट, या फिर आप इसको सेंसिवेरिया भी बोल सकते हो जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, और जो एक नाम है वो है टंग ऑफ मदर इन लॉ। तो ये स्नेक प्लांट है, ये बहुत ही सबसे पॉपुलर और बहुत ही हेल्दी प्लांट है इसको माना गया है। तो ये जो प्लांट है मैंने फ्लावर ओरा से ही मंगवाया है। तो ये ऐसे एक ग्लास कंटेनर में आता है, आप देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसे आता है। तो साथ में इस पे जूट से ही रैप किया हुआ है, तो बहुत ही प्रीटी लग रहा है, ये आप इसको डेकोर एज अ रख सकते हो। तो ये जो स्नेक प्लांट है इसको क्यों इतना अच्छा मानते हैं, जनरली क्या होता है हम प्लांट्स को लिविंग रूम में लॉबी में ऐसे रखते हैं इंडोर में, तो बट इस प्लांट को आप अपने बेडरूम में रख सकते हो जो कि आपकी एक स्लीप में सोने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जो अगर आपको कोई स्ट्रेस वगैरह है उसको रिलीफ आपको मिलता है। तो इट्स अ वेरी गुड अगर आप इसको बेडरूम में भी रखते हो। अगेन पानी की बात करें तो इसको 2 से 3 बार आप वीक में पानी दीजिए, ज़्यादा ओवर वाटर नहीं करना है। देन इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, आप घर में किसी भी कोने में रख सकते हो। अगर आपको इसको बाहर रखना है तो ट्राई कीजिए वहाँ पे रखें जहाँ पे ज़्यादा धूप ना आती हो, धूप आती हो बट ज़्यादा धूप ना आती हो। तो इसलिए ये एक ऐसा प्लांट है जो आप घर के बेडरूम में भी रख सकते हो। तो इट्स माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट, इसको बोलते हैं स्नेक प्लांट। नेक्स्ट प्लांट इज दिस बोनसाई ट्री, जिसको मनी ट्री भी बोलते हो। अगर आप इसको घर पे लेके आते हो तो आपको बहुत बोलते हैं कि जॉय के साथ साथ मनी भी आती है, अच्छा लक आता है। तो ये बहुत ही प्रीटी सा ऐसा ट्री है जिसकी हाइट 2 to 3 feet तक हो सकती है। देन ये जो प्लांट है आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों यूज़ कर सकते हो, आप इसको विंडो के पास रख सकते हो ताकि इसको सनलाइट मिले, इसको घर के अंदर भी रख सकते हो। पानी आप इसको 2 से 3 बार वीक में दें, प्लस इसको प्रोपोगेट करते रहें, कटिंग करते रहें, रेगुलर जो पुराने लीफ आते हैं उनको निकालते रहें, फर्टिलाइजर से ऐड करते रहें, एटलीस्ट 2 से 3 बार मंथ में ऐड कीजिए। अगर समर चल रही है तो समर में आप इसको बाहर रख सकते हैं, बट अवॉइड डायरेक्ट जहाँ पे बहुत हार्श, किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा धूप आना भी ठीक नहीं है, और जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी धूप चाहिए होती है, बट डायरेक्ट ज़्यादा हैवी वाली सनलाइट से जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होते हैं। तो ये जो प्लांट है ये आपके घर में जॉय लेके आएगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा। सो ब्रिंग दिस होम एंड गिफ्ट टू योर नियर एंड डियर वंस। और ये मैंने अगेन फ्लावर ओरा से मंगवाया है, आप देख सकते हो सच अ प्रीटी फाइबर पॉट जो है, इसका पॉट भी बहुत अच्छा है। तो इट्स गोइंग टू बी माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट। तो ये सारे प्लांट्स मुझे आए हैं गिफ्ट टू माई सेल्फ, बिकॉज आई लव प्लांट्स। और मुझे लगता है कि अगर आप डेकोर पीसेस कोई लेते हो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेते हो, उनके कंपैरेटिवली ये फ्लावर्स काफ़ी टाइम तक चलते हैं, प्लस आपके घर पे एक आपके घर को प्योरीफाई करते हैं, अच्छा गुड लक लेके आते हैं और जॉय लेके आते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे समर होती है तो घर को बहुत ठंडा बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको प्लांट्स लेने चाहिए अपने घर के लिए भी और दूसरे फ्रेंड्स के लिए भी, और जस्ट इनको थोड़ा ध्यान रखिए, इनको फर्टिलाइजर से ऐड करते रहिए, ओवर वाटर ना कीजिए, रेगुलर वाटर कीजिए। देन जो प्लांट्स जिनको अवॉइड करना है डायरेक्ट सनलाइट से, उनको सनलाइट से बचाइए। तो कई प्लांट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा वार्म चाहिए होता है प्लेसेस घर में, अगर इंडोर है तो आप उसको वार्म एरिया में जैसे किचन के पास रख सकते हो। तो सिंपल है, बस इनको थोड़ा प्यार चाहिए होता है और इससे आपको प्यार मिलता है। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो डू बाय प्लांट्स एंड डू चेक देयर वेबसाइट एज वेल। सो आई विल सी यू सून, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल, बाय।